बेसहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। कुरान मजीद अगर यहाँ होता ना, हफ्सा मौजूद है और भी लोग पढ़ सकते हैं। कुरान मजीद में आप निकाल कर देखें, यहाँ जहाँ काबा कौसैन का जिक्र है ना, ये जमीन की बात है। गजब यह है कि लोग रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करते ही नहीं, कुरान ही निकाल कर देखते, ये अबारत आई कहाँ? ये ना आसमानों की बात है, जमीन की बात है। अल्लाह कहता है कि रसूल ने एक को देखा कि वह आसमान के किनारे पर, फिर वो नीचे उतरा और ज़्यादा करीब आ गया, हत्ता हो गया काबा कौसैन ऑर्डर। अब कौसैन भी ज्यादा तर्जमा कर देते हैं लोग, कमान का वो भी ठीक है कौस, मगर नहीं सही यहां वो तर्जमा हाथ, क्योंकि हजरत इब्ने मसूद ने खुद फरमाया कि यहां कौस कौस किसी की चीज को भी कहते हैं जिससे पैमाइश की जाए। इसी से आपने ये मिक्यास थर्मामीटर वगैरह बनाए, मिक्यास मापने का, तो वो कहते हैं हाथ से पैमाइश होती, दो हाथ का फासला रह गया, फिर उसने वही की। ये जमीन की बात, और रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, जब हजरत आयशा ने फरमाया क्या या रसूल अल्लाह ये कौन था जो आसमान के किनारे पर था फिर उतरा, फरमाया इन्नमा हुवा जिब्रील, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम की बात। एक बार इस वक्त नजर आया सही शक्ल में, 600 पर था, मशरक से मगरब तक डांका हुआ था। दूसरा बार फरमाया आगे बार वाला कदर आया नजरातन उखरा, दूसरी बार आपने उसको देखा इंदा सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा के पास, वहां दूसरी मरतबा असल शक्ल, पूरी जिंदगी में असल जो शक्ल है मलक की दो मरतबा नजर आया, एक जमीन पर एक वहां से जरा। ये कुरान मजीद आप देख रहे, ये काबा कौसैन जो ना आसमान के किनारे पर, वहां से नीचे आया बिल्कुल करीब आ गया, ये बात जिब्रील अलैहिस्सलाम की है और जमीन की है। कुरान पाक की तरफ रजू कर रहा, इबारत निकाल कर देखना कि वहां किस मौका गए। दूसरा आसमानों का सिदरतुल मुंतहा पर भी दोबारा आपने उसको फिर देखा जी। अगर इस चीज को देखें तो वही तो अल्लाह ताला ने की है अपने बंदे की, बंदे आदर सलाम अल्लाह के हैं ना, कि जबरील के बंदे नहीं। जबरील को देखना था तो बाकी मेराज का तो सारा कुछ जो है उसकी हसीदी को ही नहीं रह जाएगी। आप सब्र से कहो, मेरा जबरील का इस तरह करीब आकर वही करना, आप कहते हैं ना इसकी हमें अहमियत है। एक है कि उस्ताद साहब ने मील से कोई बात कही शायद सुनी थी कि नहीं, एक है इतना करीब आ गया कि बिल्कुल पास खड़ा था, ये बतलाने की वहाँ बहस हो रही कि कुफार कहते थे ना कि ये रसूल्लाह से अपनी तरफ से बातें करते हैं, या माजला ये पागल हो गए। अल्लाह ने कहा आफा तुम्हारून और माजला, तुम उन बातों पर जगड़ते हो जो अपनी आंखों से देखता, फरिश्ता उसको नजर आता है बिल्कुल पास आकर उसको वही करता, तुम इस वही में शक करते हो। तो इसलिए असल शक्ल में नजर आना, बिल्कुल करीब पहुंच जाना, ये वही की जो वसाकत है कि मौत पर, इसमें कोई शक नहीं, करीब से सुनी बातें। बाकी अल्लाह ताला ने डॉक्टर जब मेराज के बारे में खुद कह दिया क्यों कराया, वहां अल्लाह ने कहा कि अल्लाह को देखेंगे। पहले पढ़े सूरह बनी इसराइल में, ले नूरे याहु मिन आयातिन अल-कुबरा, हमने ये सफर कराया ताकि अपनी कुछ बड़ी बड़ी निशानियां दिखाएं। जब देखी हैं सूरह नजर वहां भी क्या वला कदरा मिन आयातिन रब्बिल-कुबरा, आपने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानी है, रब का जिक्र नहीं है। बल्कि हजरत आयशा रज़ी ने जब ये बात सुनी कि लोगों ने कहा अल्लाह को देखो, फरमाया मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो, अल्लाह से डरो, इतना बड़ा बोहतान लगा रहे हो तुम। फिर उन्होंने ये आयतें पेश की, उन्होंने कहा मुझसे, मैं सबसे पहले हूँ जिसने उम्मत में से हजूर से पूछा, आपने बोला जिब्रील। ये सही बुखारी मुस्लिम में सब देख लें। बाकी क़यामत के दिन जो है ना सामने आएगा, यहाँ नहीं पर्दा। और इसमें डॉक्टर साहब बड़ी गहरी बात जो आम लोग नहीं सोचते, अगर हजूर खुदा को देख लेते आपकी नेकियाँ खत्म होती, देखने के बाद नेकी बड़ी सारी खत्म हो जाएगी क्या मुमकिन है। उस वक्त सारे कहेंगे कि हमने देख लिया, अब हमें मौका दे, पर आप मौका कब क्या कर, नतीजा ही सामने आ गया। पर्दा है यही तो अजमायश है कि बिन देखे उसके हुक्म आ रहा है, यो मनूना बिलगैर, यही तो कुमार दस वक्त ये मरला आएगा कि लोग अल्लाह को देख ही लेंगे, फिर ना नेकी नेकी रहेगी, वो मजबूरी बन जाएगी ना। ये जहन में रखना थे बिल्कुल नहीं, इस दुनिया में ना कोई नहीं अल्लाह तआला ने दिखाया और ना इसका कोई सबूत है, कोई दलील होनी चाहिए जी।